तो हे दोस्तों, क्या हाल है? फिर स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो भाई, फिलहाल तो मैं भी सो के उठा हूँ, सुबह के 8:30 बज रहे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था अपना, क्योंकि मैं ज़रूरी काम से थोड़ा बाहर गया हुआ था। इस वजह से मैं 2-4 दिन ब्लॉग नहीं डाल पाया। रेडी होता हूँ, फिर मिलते हैं। तो भाई, हम तैयार हो चुके हैं। अभी मैं भाई को फ़ोन कर रहा था, फिलहाल मैं उनको यार फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं गए। फ़ोन करता हूँ उसे, यार देखना। Five hours later. भाई साहब, बहुत जल्दी आ गया आपका। सामने देख पा रहे होंगे आप, ये जानकी सेतु है। ओहो भाई, देखो कितना बड़ा ब्रिज है ये। इधर से तो बाइक वाले जाने का रास्ता है, इधर से पैदल जाने वालों का रास्ता है। इधर से बाइक जाती हैं और इधर से बाइक आती हैं। देखो गाइस, कितना बड़ा है ब्रिज। यार जी, राम झूला है वो कहाँ पे? वो उधर है, वहाँ पे दिख रहा थोड़ा बहुत। अभी पतला सा सौरभ जैसे लग रहा है। अबे हाँ भाई, तो भाई हमें सौरव जोशी का डुप्लीकेट बंदा मिल चुका है। सौरव जोशी लाइट हमारे ठीक आगे चल रहे हैं। सौरव जोशी भैया सही में तो नहीं है, कोलैब कर लेगा हमारे साथ? तो भाई साहब, लेट क्यों हो गए थे? काम कर रहा था, छुट्टी वाले दिन काम कर रहा था। शुरू हुआ था और यहाँ पर आके ये बड़ा सा ख़त्म हो जाता है ब्रिज। केदारनाथ भी जा सकते हो, कुछ किलोमीटर दूरी। ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति, सॉरी तस्वीर, देखिए क्या मस्त आवाज गूंज रही है। योगा दोस्तों, आप पीछे का व्यू देख लो, पीछे का व्यू। अभी उस पुल के पास आए थे हम। तो भाई देख लो, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। यहाँ पे हमारे भाई साहब बता रहे हैं सन्नी देवल की कोई मूवी भी शूट हुई थी। बैकग्राउंड में देखो यार, क्या मस्त व्यू आ रहा है। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ का व्यू कैसा लगा है। तेरा बाप। तो गाइस, आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। यार देखो, हर वो नहीं होता, टेररिस्ट नहीं होता, ये इस चीज़ को वो मत ले लेना कि हैंगर। हाँ, मजाक कर रहे थे। कोई ज़रूरी नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी, हाइड आउट कैफे वाली और फर्स्ट ब्लॉग वाली, तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाकर देख लेना। तो दोस्तों, हम परमात निकेतन पहुँच चुके हैं। सामने हमारे भोलेनाथ जी की मूर्ति है, इधर हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत बड़ी। तो आओ। तो भाई देखो, ये ना फिलहाल तुम्हें छोटी लग रही होगी, मगर असल में बहुत बड़ी मूर्ति है भाई। भाई एक मिनट ना, उधर जाकर दिखा यार कितनी बड़ी मूर्ति है। बहुत छोटा सा लग रहा है। इधर इधर देखो, इधर से ये याद नहीं है मेरे को। और वो देखो भाई, वहाँ पे ये घड़ी सही चल रही है। हाँ, टाइम पे देख लो आप, सेम टाइम हो रहा है। तो भैया, फिलहाल तो आप यहीं से देख लो, वहाँ से रास्ता बंद है, इधर से भी रास्ता बंद है। यार पिछली बार जब हम आए थे, पिछली बार तो खुला हुआ था यहाँ पे। यार खुला था उस समय, कोविड का इतना स्केच नहीं था। फिलहाल ऐसे ही देख लो आप, जूम मार के दिखा दे भाई। तो चलो फिर चलते हैं दोस्तों आगे। भाई देखो यार, क्या मस्त मस्त चीज़ें हैं। आर्ट पीस तो एक से एक मिल जाएगा, और जिस बंदे को सेल का शौक है वो सेल में सपने ले लो, कपड़े ले लो, सपने ले लो। एक से एक एंटीक चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपके पास कैश नहीं है तो गूगल पे, फोन पे वगैरह सब यहाँ पे चलता ही है। क्या मस्त है ये मूर्तियाँ, देखो यार कितनी मस्त मस्त है। और जिनके पास अपनी बाइक कार वगैरह नहीं है, वो यहाँ पे आके बाइक कार रेंट पे ले लो। मतलब जो आपकी जरूरत का सामान है ना, आपको सब ए टू जेड मिलने वाला है। बाय द वे, आपकी चप्पल वगैरह खो जाती है तो वहाँ से आप चप्पल खरीद लो। ये बोल रहा था ना तू, ये पूछ रहा था। राम बड़ा ही देखना है शिव जी की मूर्ति। तो भाई हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, वहाँ से आप देख लो, ठीक है।
वहाँ से आपको बोट मिलेगी, ठीक है, जिससे लगभग 40-50 रुपये टिकट होता होगा एक बंदे का, ठीक है, और वो आपको यहाँ से लेके परले पार छोड़ के आएगी और वापस लेके आएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से आके बोट में झूल सकते हो। अरे हमारा आ गया राम झूला, पहुँच गए राम झूले पर, ठीक है, ये हमारा राम झूला है, यहाँ से पूरा वहाँ तक हम पहुँच गए, राम झूला पहुँच गए। चलो ऊपर देखो आप बोट, हम पहुँच गए राम झूला। मेरे को बता दिया अगर पीछे कोई होगा ना, अभी टक्कर हो साइड रहे, थोड़ा साइड रहे, हाँ मेरे मुंह में घुस जा, मुंह में घुस जा। अबे हट जा पीछे, ऊपर दिखा भाई कितने लंबी लंबी वायर्स है। और भाई जिधर अभी हम जानकी सेतु पुल गए वायर लच गई, अभी जानकी सेतु पुल की तरफ से आए थे ना, तो वो इतना ज़्यादा बाउंस नहीं हो रहा था, वो हिल नहीं रहा था, मगर इस पे आ गया ना एक्चुअली सही में ऐसा लगता है कि हवा की वजह से हिल रहा हो ये झूला तभी पे। और भाई वो देखो बिल्कुल ऐसा लग रहा है गोवा बीच वगैरह हो, ठीक है, वहाँ पे भी चल के देखते हैं ऐसा। वो देखो भाई देख रहे हो वहाँ से भी बोट वो जाएगी, वो वहाँ से स्टार्ट हुई है, अब वहाँ से लेके वहाँ तक जाएगी जहाँ पे वो लोग खड़े हैं, ठीक है, फिर वहाँ से वापस आएगी, जिन्हें इधर जाना है उधर जाओ, जिन्हें उधर जाना है इधर जाओ। ओए भाई सीन दिखा वहाँ से क्या मस्त आ रहा है भाई, पहाड़ों का व्यू इतना मस्त आ रहा है ना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा घर जाने का, मगर क्या करें यार, स्कूल खुल गए गलत टाइम पे, स्कूल वालों तुम्हारी कुछ नहीं, तुम 100 साल जियो, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो हमारी तरह ब्लॉगिंग करते फिरोगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं भी 12th में वही मेरा एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है, अरे फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ भाई। तो यहाँ आपका हार्दिक स्वागत है, आपका स्वागत है सब भाई, मार्केट है यहाँ से आपको, ये देखो राम झूले का सामान वगैरह टंगाने का ट्रैक्टर मिल जाएगा सिद्धू मूसे वाला, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इधर देख लो आपको, वहाँ से आप जो भी आपको गोल गप्पे कुलचे छोले वगैरह खाने का खा लो, यहाँ से आपको टिफिन के लोगों ने ज्वेलरी वगैरह माला वगैरह बस यहाँ तक के तो इतना ही, ये हमारी ड्रीम बाइक है, चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करा था। तो भाई अभी हम आ रहे थे, हमें लगा कि कोई चेकअप रिपोर्ट वगैरह टेस्ट वगैरह, मुझे तो याद है उसमें लगा कोई रिपोर्ट वगैरह टेस्ट वगैरह नहीं होने की, ठीक है, मगर हमारी किस्मत ही झंडू है तो हम क्या करें, हमारे पास मेरा भी सेकंड डोज कंप्लीट है, इसका भी सेकंड डोज कंप्लीट है, ठीक है, तो फिर भी उन्होंने हमारे मुँह में को दिया वो पत्ता सा, ठीक है, और हमारे इसी को दिया बस, हमारा बलगम सा निकाल दिया डंडी में डाल दिया, बचपना तो छोड़ देती। तो देखो भाई साहब जैसे मैंने दूसरी तीसरी बार होने जरा मैं कहूँ भाई जरा सारे में घुमा के दिखा दे एक बार कैमरा, हमें भी ले लेना, आ जा यार वायरलेस माइक नहीं है ये, देखिए बकचोदी करेगा। अबे गा मेरे ऊपर ही गिर लगा गहरे सिंधु की तरह निकाल दूंगा मैं भाई, हाथ देख कैसे चमकीले चमकीले से होगी दिख रहे जूतों में रेत घुस गई भयंकर, दिख रही नीचे देख कैसा आ गया तो लोग नाजिम वाली अरे मैया नीचे देखो अरे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी हुई भाई दिखाई हो देख पानी की वजह से, मगर फिर मुझे नए पे 2-3 महीने हो गए होंगे, मजाक कर रहा यार ना के आया मैं, कभी कमेंट में सारा बॉक्स कर दो कि आप ना लिया करो ना लिया करो दोस्त में ना के आए, ठीक है, तो मैं ऐसे देखो अगर आप आओ तो यहाँ पे जरूर नहाए, आपको नहाने से कोई नहीं रोकेगा, मगर साबुन नहीं लगाना, साबुन लगा के रगड़ रगड़ के बैठ गए यहाँ, आपको डर लगता है तो आप यहाँ छोटे से पूल में नहा सकते हो, ये जिनको डर लगता है ना खास कर उनके लिए बना रखा, ठीक है, तो आप आओ इसके अंदर कूदो मछली की तरह तैरो जो मर्जी हो, जिसको तैरना नहीं आता, जिसको तैरना नहीं आता, अरे जो अल्ट्रा प्रो मैक्स सीधा यहाँ पे डूब के मारो, बच गए तो ठीक है वरना राम भरोसे डावा, राम भरोसे डावा, राम भरोसे।
पर्दा बच गया ये तो आपको यहाँ बहुत सारे छपरे निब्बा मिल जाएंगे जिनके बाल रंग भी रंग होते आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश आई कैन लाफ इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज एंड यू आर बनी फरी मुंडा मेरी तरफ से तो मैं बोरी हो जाता था कितनी ज़्यादा भीड़ नहीं आ रही यहाँ पे बहुत ही भीड़ दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं तो ना सीधा बस घर पहुँच के ही मिलेंगे यार है नहीं भाई ठीक है ठीक है गाइस मिलते हैं घर पहुँच के टाटा बाय बाय तो भाई हम पहुंच चुके हैं घर ठीक है मतलब कोई भी नहीं है यार यहाँ तो कहाँ गए सारे भाई आते हुए तो मुझे लगा था कि कैमरा ना बिल्कुल बंद ही हो जाएगा ठीक है मगर फिर भी ना थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप दे दिया इसने सही है मगर पावर बैंक तो लेना ही पड़ेगा यार ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में इस ब्लॉग को वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर सारे में कर दो ठीक है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो लव यू टेक केयर टाटा बाय एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा